आ गया दिन शगना दा, आ गया रोशनी की गोद भराई का मौका, घर आंगन में छाई है खुशियां। आदि की आखिरी निशानी को खुशी खुशी वेलकम करने की हो रही हैं तैयारियां। लेकिन ये क्या, इतना शुभ मौका और ऐसे अपशगुन की दस्तक। वो कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती, बस कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। भल्ला हाउस में ही कोई ऐसा है जो इस पूरे खुशी के माहौल को गम में बदल देना चाहता था, रोशनी और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। दरअसल गोद भराई के लिए जिस झूले पर रोशनी बैठने वाली थी उसके साथ पहले ही कर दी गई थी छेड़खानी, जिस पर वक्त रहते ही इशिता की नजर पड़ जाती है और ये देखते ही रमन का गुस्सा एक बार फिर बेकाबू हो जाता है। ऐसा काम करते हो तुम, घटे मुंह तेरे हैं? ये क्या तरीके काम करने का? अभी रोशनी की जाती तो उठाओ अपना ये झूला, निकलो बाहर यहाँ से। चलो बच्चों इसको उधर बिठाओ, हम सारी रस्में उधर ही करेंगे। चलिए अब सीधा चलते हैं तोशी जी के पास और जानते हैं आज की रस्मों के बारे में। आज गोद भराई है, उसके मेहंदी वगैरह है, कुछ नाच गाना ये सब होगा भी, तो वो सब चलता रहेगा। वैसे तोशी जी, आखिरकार आप लोगों ने इशिता को मना ही लिया और इतने पापड़ बेलने के बाद फाइनली रोशनी की गोद भराई आपके घर में ही हो रही है, इस बात से तो आप सभी काफी खुश होंगे ना? बाकी हम सब बहुत खुश हैं, हमारे घर में छोटा बच्चा आने वाला है, मैं परदादी बनने वाली हूँ और हमारे परिवार का सबसे आखिरी वंश का मतलब हमारा वारिस है, तो हम उस चक्कर में उसको बहुत वेट कर रहे हैं उसके आने की। वैसे तोशी जी, इसी बीच हमने रमन को मिठाई के लिए भी परेशान देखा, आखिर क्या है माजरा, जरा ये भी बता दीजिए। हाँ, मिठाई उसमें फंगस है मिठाई में, तो वो डब्बा किसी और ने रखा है, जो हमने मिठाइयाँ मंगवाई थी, रमन ने मतलब जो मिठाइयाँ मंगवाई थी वो उससे अलग था, तो वो अभी वो भी खुलेगा कि किसने वो डब्बा उसमें रखा। वेल, आज तो शगुन को अपशगुन में बदलने से इशिता ने बचा लिया, वरना रोशनी के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में हम तो बस यही कहेंगे कि अब आप सबको काफी संभल कर रहना होगा, क्योंकि घर का दुश्मन घर में ही मौजूद है और वो दोबारा छिपकर वार जरूर करेगा। मुंबई से पूजा तिवारी की रिपोर्ट, E24।